नहीं बोल रहा है कुछ। बिस्किट खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्यों बेटा तुम आज स्कूल भी नहीं गया, कुछ नहीं बोल रहा? नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। जाओ बेटा जाकर तुम खेलो तो। जाओ जाओ इधर से, जाओ बेटा इधर से। अरे दीदी आप लोग तीनों काहे के लिए आए? आइए बैठिए दीदी, बैठिए दीदी। अरे दीदी आप लोग सब एक साथ, क्या बात है दीदी? क्यों आना हुआ आप लोगों का? हम लोग जीविका से जुड़े हैं दीदी। आपका काम किए हैं, आप रोजगार किए हैं, उससे आपको घर की आमदनी भी अच्छी चल रही है और घर भी अच्छा है, आमदनी भी अच्छा हो रही है। आप हम लोग को ही बताइए ऐसा रोजगार जिसे आप कर रहे हैं। हाँ दीदी हम ये पूछने आए हैं दीदी। दीदी महिलाओं के मुंह से व्यवसाय के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीविका के माध्यम से आज महिलाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो कोई रोजगार करना चाहती है, यह सुनती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इस व्यवसाय के द्वारा अपने घर की आमदनी को बढ़ाया है और मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ऐसा कौन सा रोजगार किया जिससे मेरी आमदनी बढ़ गई है। ज़रूर बताइए। देखिए दीदी हम भी आप ही की तरह समूह में जुड़े थे, पहले आपस में बचत करते थे और वो बचत के पैसा को हम लोग कर्ज के रूप में लेते थे। इससे हम लोगों को है कि ऋण की सुविधा तो हुई कि कम ब्याज पर पैसा हम लोग को मिलता था, लेकिन इससे मेरी कोई आमदनी नहीं बढ़ रही थी। एक दिन हम लोग के समूह के मीटिंग में ACCC भैया आए जिन्होंने हम लोगों को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया, यानी कि हम लोगों को मुर्गी पालन के लिए कहा। बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होता है दीदी? देखिए दीदी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मुर्गी पालन है। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब होता है यदि आप अपने घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन करते हैं तो उसे बैकयार्ड पोल्ट्री कहा जाता है, यानी घर के पीछे मुर्गी पालन। हाँ दीदी ACCC भैया हैं और आप लोग तुरंत मुर्गी लेने के तैयार हो गए और मिल गया, बताइए। हाँ दीदी सुझाव तो हमें तुरंत ही मिला, पर कोई भी व्यवसाय करने के लिए कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है। हम लोगों को पहले उन्होंने बताया, उसके बाद फिर माइक्रो प्लान हुआ जिसो को हम लोग MP कहते हैं। माइक्रो प्लान क्या होता है दीदी? माइक्रो प्लान में है दीदी कि यह देखा जाता है कि कौन कौन दीदी यानी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं। यदि जीविका बाहर से 10,000 मुर्गियां ले आए और यहाँ है कि उतनी दीदी मुर्गी लेने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो इस व्यवसाय में जीविका को भी घाटा लगेगा ना दीदी। तो इसीलिए सबसे पहले है कि माइक्रो प्लान होता है कि कौन कौन दीदी मुर्गी पालन करना चाहती है। माइक्रो प्लान के हिसाब से ही बाहर से चूजे मंगाए जाते हैं और उसे मदर यूनिट में 28 दिनों तक रखा जाता है और उसके बाद जो दीदी मुर्गी पालन करना चाहती है उन दीदी को दिया जाता है। माइक्रो प्लान के बाद सब दीदी तैयार हो गई दीदी? माइक्रो प्लान के बाद दीदी हमारे एक भीओ में 150 दीदी हैं, यानी एक ग्राम संगठन में यहाँ 150 दीदी हैं जिसमें से 60 दीदी मुर्गी पालन के लिए तैयार हो गई। तब तो बहुत बढ़िया बात है दीदी। देखिए दीदी जब मदर यूनिट में चूजा आ जाता है तो फिर जो जो दीदी पालने के लिए लिखवाई थी उन सबों को 150 चूजा 6 किस्त में मिलता है, यानी कि एक किस्त में उन लोगों को 25 चूजा मिलता है। इस तरह से उन्हें 150 चूजे 6 किस्त में दिए जाते हैं। चलिए दीदी मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए दीदी ये मदर यूनिट है, इसमें 28 दिनों तक चूजों को रखा जाता और उन्हें हर तरह का टीका और दवाई दे दी जाती है ताकि 28 दिनों तक उन्हें कोई भी खतरनाक बीमारी ना हो और मदर यूनिट से निकलने के बाद भी उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी ना होने पाए। 28 दिनों के बाद आप लोगों को ये चूजे पालने के लिए दिए जाते हैं। हाँ दीदी जब 28 दिनों के बाद जो दीदी मुर्गी पालन करना चाहती है उन लोगों को यानी 150 चूजे और उन चूजों को रखने के लिए एक पिंजरा भी दिया जाता है। नहीं दीदी तो ये पिंजरा ऐसा वैसे मिल जाता है फ्री में? नहीं दीदी ये फ्री में नहीं मिलता है, पिंजरा और 150 चूजे को आपको 3150 रुपये देने पड़ते हैं जीविका में, यानी अपने समूह में जमा करना पड़ता है 3150 रुपया। ये पैसा भी आपको एक बार नहीं देना रहता है, जैसे आपको चूजे किस्त में मिलते हैं 6 बार यानी 150 को 25-25 करके मिलते हैं ना, उसी तरह आपको ये 3150 रुपये भी 6 किस्तों में करके लौटाना होगा। समझे दीदी? हाँ दीदी। दीदी तो एक किस्त में कितना पैसा देना होता है? एक किस्त में आपको दीदी 525 रुपये देने होंगे। ये तो बहुत महंगा है दीदी। घबराइए नहीं दीदी, आप लोग समझती हैं महंगा पड़ेगा, ये महंगा नहीं पड़ेगा। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे महंगा नहीं पड़ेगा। देखिए दीदी ये पिंजरा है जो हम लोगों को मुर्गियों को रखने के लिए
दिया जाता है। देखिए दीदी, ये 28 दिन के मदर यूनिट से मिले हुए चूजे हैं, ये 10 दिन पहले हमको मिले थे, इसलिए ये 38 दिन के हो चुके हैं। और देखिए दीदी, आप कहते हैं कि महंगा है, महंगा नहीं है। जैसे देखिए, कोई आप लोग मुर्गी ये मानते हैं कि देहाती पूछते तो चुग के पेट भर लेता, ये भी उन्हीं मुर्गियों की तरह है। ये लोग दिन में आप छोड़ दीजिएगा तो बाहर चुग कर अपना पेट भर लेगा, रात को जब पिंजरा में बंद कीजिएगा तो एक मुट्ठी दरा हुआ अनाज या कोई भी अनाज दे दीजिएगा, एगो कटोरी में पानी दे दीजिएगा, ये खा लेंगे और ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाते हैं। 2 से 2.5 महीने में ही ये 2 से 1.5 से 2 किलो तक के हो जाते हैं। ये तो ठीक है बोल रहे दीदी कि खाना भी कम लगता है बाहर चूके, पेट भी भर जाता है उसको, और थोड़ा दे देंगे इसको पिंजरा में तो खा लेगा, तो ठीक है, हम लोग भी करेंगे। देखिए दीदी, ये 2 से 2.5 महीने की मुर्गी है, 2 से 2.5 महीने में ये 1.5 से 2 किलो तक की हो जाती है ना दीदी। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा हो जाती है। अच्छा दीदी, ये तो आप लोग देख लिए कि 2 से 1.5 किलो का हो जाता है। आप चलिए, हम आपको बताते हैं कि इन मुर्गाओं को, यानी जैसे आप कैसे बेचेगा कि आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और कितना आपको फायदा होगा। ठीक है दीदी, चलिए बैठ के हम लोग बात करते हैं। चलिए दीदी, देखिए दीदी, आप लोग फायदा का पूछ रहे थे, तब हम आपको फायदा बताते हैं कि मुर्गी पालन से कैसे फायदा हुआ और कैसे मेरा जीवन सुधरा। देखिए दीदी, जीविका की तरफ से जो हमको पहला बार चूजा मिला था 25-25 करके, यानी साल भर में 150 चूजा आया जो मिला था एक किस्त में, तो देखिए दीदी उसमें से जानते क्या रहता है, 75 गो चूजा है जो नर रहता है और 75 गो मादा रहता है। हम 2 महीना तक, जैसे 2 से 2.5 महीना तक जो नर चूजा था उसको पाले ना दीदी, तो 1 से 1.5 किलो तक का हो गया, और उसको हम बेचे तो 80 रुपये किलो के हिसाब से बिका। वो जो 75 गो जो मेरा था नर, जैसे बच्चा यानी मुर्गी का बच्चा, तो 75 नर बच्चा हमको हुआ 1 क्विंटल 25 किलो। कितना हुआ दीदी? 1 क्विंटल 25 किलो। तो हम उसको 80 रुपये किलो के दर से बेचे तो हमको कितना हुआ दीदी? हिसाब कर लें दीदी, हिसाब करके देखते हैं दीदी कि कितना होता हमको 75 गो में। तो देखिए दीदी, जो 1 क्विंटल 25 किलो हुआ ना, तो उसको हम 80 रुपये किलो बेचे तो हमको जानते हैं कितना हुआ दीदी? 10,000 रुपया हुआ। कितना पैसा हुआ दीदी? 10,000। हाँ दीदी, 80 रुपये किलो बेचे तो 1 क्विंटल का 8,000 होता है ना दीदी? हाँ दीदी। आए 80 रुपये किलो के हिसाब से, और फिर 25 किलो बचा तो उसको भी बेचे, बिका तो हुआ ना दीदी हमको, एक बार 75 मुर्गा जो था नर उसको बेचे तो हमको 10,000 रुपया हुआ दीदी। और ये जो 10,000 है दीदी, वो हमको साल भर में हुआ, क्योंकि साल भर में 6 किस्त में ना मिलता है दीदी 150 चूजा। ये नहीं कि आप लोग ये समझ लीजिएगा कि हमको 2 महीना में 10,000 हो जाए, नहीं, हमको 150 चूजा में हुआ था। 150 चूजा साल भर में मिलता है, 2 महीना पर 1 किस्त आप लोग को बताया ना दीदी? हाँ, तो 150 चूजा हमको साल भर में मिला था, और साल भर में सिर्फ नर चूजा को हम बेचे बड़ा करके तो हमको 10,000 रुपया हुआ, और जबकि मेरे पास मादा मुर्गी बच ही गई। अच्छा दीदी, वो तो नर को बेचे तो अपना हुआ, मादा को क्या करिएगा दीदी? मादा मुर्गी का दीदी, हाँ। देखिए दीदी, मादा मुर्गी को हम लोग रख ले रहेंगे, जानते हैं काय के लिए? जब 6 महीना हो जाएगा तो मादा मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है, और जानते हैं दीदी, एक मुर्गी साल भर में 150 अंडा देती है। मैंने साल भर में देता है 150? हाँ दीदी, साल भर में एक मुर्गी 150 अंडा देती है। कितना दिन से पालने से कितना दिन पर अंडा देने लगता है? 6 महीना के बाद अंडा देना शुरू करती है दीदी। 6 महीना के बाद? हाँ। कितना दिन तक वो देगी? 6 महीने से वो साल भर तक अंडा देती है। 6 महीना से साल भर तक? हाँ। आज साल भर के बाद वो मुर्गी का हो जाएगी? साल भर के बाद उस मुर्गी को हम लोग बेच देंगे। बेच देंगे। देखिए दीदी, ये दीदी ने बहुत अच्छा बात पूछा कि जैसे मुर्गी है कि जब अंडे देना बंद कर दे तो उसको क्या करेंगे? जब मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी तो हम लोग उसको भी नर की तरह बेच देंगे, लेकिन अभी अंडा से आपको क्या फ़ायदा है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है दीदी? देखिए दीदी, एक मुर्गी हम कह रहे साल भर में आपको 150 अंडे देगी, तो आपके पास कितना मुर्गी है दीदी? 75 मुर्गी आपको साल भर में 11,250 अंडे देगी, जिसमें से मानते हैं दीदी आप लोग अंडा खाना तो जरूर चाहिएगा। हाँ दीदी, यदि आधा अंडा आप लोग खा भी जाइएगा, यानी जैसे जितना मुर्गी आपको अंडा दे रही है उसमें से आधा आप लोग खा जाइएगा और आधा भी बेचिएगा, तो साल भर में आपको दीदी 40,000 रुपया बचेगा। कितना बचेगा दीदी? 40,000। आधा अंडा खा जाइए और आधा अंडा को आप लोग बेचिएगा भी, तो आपको 40,000 का आमदनी होगा। उसके बाद जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी तो हम लोग वो मुर्गी को
बेच देंगे, और उस समय वो मुर्गी जानते हैं दीदी जब अंडा देना बंद कर देगी और उस समय आप लोग 75 मुर्गी को बेचिएगा तो कम से कम वो 2 क्विंटल 50 किलो की होगा वजन, 75 गो का 2 क्विंटल 50 किलो वजन होगा। जैसे वो 75 मुर्गी को हम लोग कहें कि साल भर के बाद कितना हो जाएगा वजन, 2 क्विंटल 50 kg, और उसको हम यदि 75 रुपये किलो भी बेचेंगे तो हम लोगों को कितना पैसा होगा दीदी, हिसाब कीजिएगा तो हम लोगों को 15,000 रुपया का आमदनी होगा। कितना आमदनी होगा दीदी? 15,000 का। तो यदि अब हम लोग शुरू से जोड़ते हैं दीदी, हाँ तो देखिए दीदी हम आपको अब आप लोग को हिसाब करके बताते हैं, ठीक। देखिए 75 गो दीदी हम बताए थे नर, जिसका वजन कितना बताए थे दीदी, 1 क्विंटल 25 किलो, और उसका कीमत कोई बोले थे कैसे दीदी, 80 रुपये किलो, ठीक है। तो देखिए दीदी 125 में हम लोग 80 से गुना करते हैं तो कितना होता है, जीरो हो गया दीदी, जीरो हो गया दीदी, जीरो हो गया दीदी। 8 का 5 बार पढ़ेंगे तो 8 का 8 16 8 4 8 44 के जीरो हाथ में रहा 4, और 8 2 16 और 4 20 के जीरो हाथ में रहा 2, और 8 और 2 10, तो कितना हो गया दीदी, 10,000। कितना हुआ? 10,000। 10,000 हुआ था हमको साल भर में नर से, नर मुर्गी से। उसके बाद अंडा का बताए थे दीदी, एक दीदी एक मुर्गी कितना देती है दीदी, 150 अंडा। आपके पास कितना मुर्गी है दीदी, 75, तो इसको गुना करते हैं हम लोग दीदी, 150 को 75 में जी 11,250 अंडा कितना देतीगी आपको मुर्गी, 11,250 अंडा। इसमें से आप कितनों खा जाइएगा दीदी, मानते 11,000 अंडा आया दीदी, इसमें से ज्यादा नहीं आप 5,000 अंडा भी बेचिएगा तो 8 रुपये अंडा तो जरूर बिक जाता है, देहाती टाइप के रहता है जी दीदी, हाँ। तो 5,000 में गुना कीजिए, 5,000 अंडा में यदि 8 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आता है दीदी, 8×5=40,000 रुपया दीदी, कितना आया, 40,000 रुपया। अच्छा फिर है आपको मुर्गी, फिर 75 मुर्गी तो बच गई अथी वाला मादा वाला, मादा तो उसका हम वजन कितना आपको बता रहे हैं दीदी, कम से कम साल भर में हो जाएगी 2 क्विंटल 50 किलो की, 2 क्विंटल 50 किलो की, तो कितना वजन इसका हो जाएगा दीदी, 250 के 75 से हम लोग गुना करते हैं, हाँ दीदी। तो फिर आपके पास जो मादा मुर्गी बचती है 75 को, उसका हम वजन आपको कितना बताएं, 2 क्विंटल 50 किलो, इसको कम से कम भी रेट पर आप बेचिएगा तो आपको 15,000 रुपया जरूर होगा, यानी मानते हैं 17 के बेचे या 75 के कैसे बेचेगा, तो 15,000 से आपको नीचे आमदनी नहीं हुआ, तो इसको भी 15,000 इसमें जोड़ देते हैं। ये हुआ 10,000 दीदी नर मुर्गा जो बेचे जे, 40,000 आपका हो गया अंडा का, और 15,000 हो गया आपको मुर्गी का, जो मादा मुर्गी है उसका, तो कितना आपको हो गया दीदी, 0×0 0×0 0×0 5×5 5 4 5 1 6 आपको साल भर में इससे आपको आमदनी होता है कितना, 65,000 रुपया दीदी। और आप जीविका में देंगे कितना दीदी, 3,150। अभी तो हम आप लोग को हिसाब करके बताएं दीदी कि साल भर में कितना फायदा होता है, कितना होता है दीदी, 65,000। और आप लोग जीविका को दीजिएगा मुर्गी के बदले कितना, 3,150 रुपया, मात्र 3,150 रुपया। तो सोचिए दीदी आपको कितना फायदा होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए 65,000 में से हम लोग 3,150 रुपया घटा देंगे, कम से कम आपको 61,000 रुपया बचेगा दीदी, 3,000 जीविका को दे दीजिएगा फिर भी 61,000। और जो कि दीदी मानते हैं साल भर में 12 महीना होता है दीदी, तो आपको मान के चलिए साल भर में आप मुर्गी पालन कीजिएगा तो आप 65,000 जैसे 61,000 रुपया कमाए तो आपको साल भर में 12×25 60 होता है ना दीदी, तो यानी आपको एक महीना में 5,000 रुपया आमदनी इससे हो रहा है। तो बताइए दीदी मुर्गी पालन कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जरमना अनाज करना है, मुर्गी का सेवा करना है, एक महीना में आपको 5,000 फायदा हो रहा है तो आपका घर में होगा कि नहीं दीदी बचत, हाँ दीदी होगा बचत तो होगा करेगा तब, हाँ दीदी आप तो बहुत अच्छा से हिसाब किताब करके बताए हैं, हाँ दीदी मुर्गी पालन में तो फायदा होगा ही, कभी कभी कुछ बीमारी से कुछ मुर्गियां मर भी जाती है फिर भी आपको है कि इसमें फायदा ही होगा, और हमेशा प्रॉफिट ही इसमें होगा, कभी भी घाटा नहीं जाएगा। तो ठीक है दीदी आप लोग मुर्गी पालन कीजिएगा ना दीदी, हाँ दीदी करेंगे मुर्गी पालन।
अच्छा दीदी, ये सब तो हुआ पैसा के बाद की, जैसे हम लोग मुर्गी पालन करेंगे तो क्या कितना हमको आमदनी होगा, लेकिन इसके अलावा भी दीदी मुर्गी पालन आप लोग कीजिएगा तो आपको एक फायदा और भी है। जैसे कुछ दीदी आप लोग खेती करते हैं ना दीदी, तो इसका जैसे मुर्गी का जो बीट होता है यानी लाही, उसको आप लोग अपने खेत में जैविक खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसको डालने से है दीदी कि आपको खेत में खाद कम लगेगा और पैदा या उपज बहुत ही ज़्यादा होगा, तो है ना ये फायदा का दीदी, आपको आमदनी की आमदनी भी हुआ और खेत का उपज भी बढ़ा, फायदा हो गया। दीदी मैं पहले आप लोगों की तरह ही गरीब दीदी थी, और सभी देखने वाली दीदी को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब दीदी थी, मैंने हिम्मत करके मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया और आज मैं अपनी गरीबी से निकलकर कम से कम इतनी आमदनी करने लगी हूँ कि अपना बच्चों का भी भविष्य सोच सकती हूँ और एक बेहतर ज़िंदगी जी रही हूँ। सभी दीदी को मेरा नमस्कार।